देश में कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगने के बाद जनपद में राज्य मंत्री द्वारा फ्रंटलाइन वर्करों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से देश में 100 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लग चुकी है। बीजेपी के शीर्ष नेता के दिशा निर्देश पर राज्य मंत्री गुलाबो देवी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई पहुंची। मंत्री ने 14 फ्रंटलाइन वर्करों को फूल माला पहनाकर तिलक कर सम्मानित किया। मंत्री ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से बचाने में फ्रंटलाइन वर्करों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस समय हम लोग घरों में बैठे थे, उस समय डॉक्टर व उनका स्टाफ बाहर निकलकर मरीजों का इलाज कर रहा था। इसी को लेकर आज हमने इन सभी फ्रंटलाइन वर्करों को सम्मानित किया है। जिला महामंत्री कमल कुमार ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जनपद के सभी जगह सांसद विधायक द्वारा कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन पर देश में 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसलिए आज भेजोई सीएससी पर मंत्री जी द्वारा कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया है देश के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से ये कार्य देश में सम्पन्न हुआ है। और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना भूमिका अदा की थी और गरीबों के लिए और जो भी हमारे पीड़ित थे कोरोना काल में उनकी सेवा की थी, उनके सम्मान के लिए हमारे जितने भी विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य और संगठन के पदाधिकारी हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व से हम लोगों को ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि उन सभी का हम लोग अस्पतालों में जाकर, विभिन्न स्थानों पर जाकर उनका सम्मान करें और वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर जो अब वैक्सीनेशन कराने लोग आ रहे हैं उनके लिए सुविधाएं दी। इसी के अंतर्गत आज हमारे जनपद में विभिन्न जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर हैं, 10 सेंटर हैं, वहाँ कहीं माननीय गुलाब देवी जी हमारी मंत्री हैं वो, कहीं पर हमारी चंदौसी की चेयरमैन है वो, कहीं किसी एक पर जो है माननीय अजीत कुमार राजू विधायक हैं वो, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, सभी जाकर हमारे कोरोना वॉरियर्स का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का, डॉक्टर्स का, आशाओं का, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत ही अच्छा कार्य किया था और अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई थी, उन सभी के सम्मान का कार्यक्रम पूरे जनपद में चल रहा है। कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? कैसे यहाँ पर जितने भी डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं, सीएमओ हैं, एसीएमओ हैं और डॉक्टर्स हैं, उनका पूरा स्टाफ है, फोर क्लास एम्प्लॉय, सभी के लिए हमने सम्मानित किया। क्या मैसेज दिया आपने डॉक्टरों के लिए? क्या मैसेज दिया आपने डॉक्टरों के लिए? हमने ये मैसेज दिया कि जिस समय कोरोना कार्यकाल चल रहा था, उस समय हम लोग सशंकित अपने घरों में घुसे हुए थे और ये लोग अपनी जान हथेली पे रखते बिना किसी अपनी ज़िंदगी की परवाह किए हुए लोगों की जान बचाने में लगे हुए थे। ये बधाई के बात है और इन्होंने सराहनीय कार्य किया, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनको सम्मानित करने का कार्य किया है। उन्हीं के आधार पर हम लोग आज इनको सम्मानित कर रहे हैं, माला बना के तिलक करके, मिठाई खिलाकर इनका सम्मान किया जा रहा है।